हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशय ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी विषय थी, उस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा था, उसमें भारत की तटीय सीमा के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, भारत की तटीय सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो 9 राज्यों से। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, ये पश्चिमी तट के 5 राज्य रहे। जबकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कौन सा आपका पश्चिम बंगाल, ये 4 जो है पूर्वी तट के। टोटल 9 राज्य थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसके साथ है? गुजरात के साथ। सबसे कम तटीय सीमा किसके साथ है? गोवा के साथ है। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में कल हमने चर्चा किया था, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वह थोड़ा सा इससे अलग है। और अलग है तो ये टॉपिक जो हमारा है 23.5 डिग्री एन और 82.5 डिग्री ईस्ट। मतलब क्या कहने का मतलब यह है कि 23.5 डिग्री जो एन रेखा है, इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, तथा दूसरी जो रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट है, उस रेखा को हम भारत का मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज इन्हीं दो रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो दोनों भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती हैं, जिसमें से दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ नामक राज्य में क्या करती हैं? काटने का कार्य करती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा की। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा की यदि हम बात करते हैं, तो यह रेखा ऐसे गुजरने का काम करती है, यह रेखा ऐसे गुजरने का काम कर रही है। इस रेखा का जो नाम है वह है 23 से ही 1/2 n, या इसी को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे ग्लोब पे यदि देखा जाए तो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, उसके 23.5 उत्तर में कर्क रेखा और उसके 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखाएं अवस्थित हैं। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत 21 जून को पड़ती हैं, तथा उसके उत्तर जैसे हम जाते हैं तो सूर्य की किरणें किसी भी स्थान पर लंबवत पड़ती नहीं हैं। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में यदि मकर रेखा पर हम जाते हैं तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, उसके दक्षिण जाने पर किसी भी भाग में लंबवत सूर्य की किरणें कभी भी नहीं पड़ती हैं। अर्थात कर्क और मकर रेखाओं के मध्य ही हमारा पृथ्वी पर जो भाग होते हैं उन भागों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, अन्य किसी क्षेत्रों में लंबवत नहीं पड़ती हैं। इसी आधार पर कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं, जबकि कर्क और मकर रेखाओं से उत्तर और दक्षिण के भाग को शीतोष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत का यह वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला, कर्क रेखा के नीचे वाला, तो यह किस नाम से जाना जाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह शीतोष्णकटिबंध के नाम से जाना जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है वह यह है कि यह रेखा जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो पहले राज्य की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो राज्य है इसका नाम क्या है? गुजरात। और दूसरे राज्य की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यह है राजस्थान। यहाँ पे यह संपूर्ण भाग जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और जबकि यहीं पे मध्य प्रदेश के ही पास में थोड़ा सा आंशिक रूप से एक राज्य मिलता है, जिस राज्य को किस नाम से जानते हैं? छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। और इस छत्तीसगढ़ के ही बगल में एक राज्य है जिसको झारखंड के नाम से जानते हैं, और झारखंड के बगल में यह जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यह त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कितने राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरने का काम करती है? तो उन राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। उन राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा है? झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। यदि गिन लेते हैं 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात और आठ रन। मतलब कहने का यह है कि हमारी कर्क रेखा हमारे देश के आठ राज्यों से गुजरने का काम करती है। जिन आठ राज्यों से गुजरती है वे आठ राज्य कौन कौन से हैं? आपका पहला नंबर पे गुजरात, सबसे पश्चिम से पूर्व के क्रम में हम चल रहे हैं तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के पूर्व में कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के पूर्व में कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा है? झारखंड। झारखंड के पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्व में कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बगल में कौन सा है? आपका मिजोरम राज्य। ठीक है, इन आठ राज्यों से गुजरती है। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे हम ट्रिक की बात नहीं करेंगे। एक ट्रिक बहुत फेमस चलता है यूट्यूब पे, बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार। मतलब क्या हो गया, इस मित्र पे गमछा झार का मतलब क्या हो जाएगा? एक एक राज्यों के नाम निकल करके आ जाएंगे, तो फिलहाल उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे ये आठ राज्य हो गए, लेकिन यह यहीं पे नहीं कंप्लीट होता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि इन राज्यों की राजधानियाँ कौन सी कर्क रेखा पे है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में। ठीक है, कौन सी कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर है, कौन सी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यह भी क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर पर सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार सीधी पड़ेंगी, और किस शहर पर किस शहर पर जो है कभी भी सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। दोस्तों, इन राज्यों की राजधानियों की यदि हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले राज्य की हम बात करेंगे, वह झारखंड की राजधानी रांची की बात करेंगे। और झारखंड की राजधानी जो रांची है, बिल्कुल कर्क रेखा पर ही मानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल कर्क रेखा पर मानी जाती है। कहाँ की राजधानी? झारखंड की राजधानी। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी कौन सी हो जाएगी? भोपाल हो जाए। अरे, गुजरात की राजधानी कौन सी हो जाएगी? गांधीनगर। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो यह यहाँ पे पड़ेगी। और इसके बाद इसकी राजधानी की बात करते हैं तो यह यहाँ पे पड़ेगी। उसके बाद पश्चिम बंगाल की हम राजधानी की बात करते हैं तो वह कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी चार राजधानियाँ, पाँच राजधानियाँ हो गई। कौन सी? गुजरात की राजधानी, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी, फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी, फिर झारखंड की राजधानी, फिर पश्चिम बंगाल की राजधानी। मतलब कर्क रेखा पर जो स्थित राज्य हैं, उन राज्यों में से, आठ राज्यों में से पांच राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में हैं। अर्थात इन सभी राज्यों पे सूर्य की किरणें वर्ष में कम एक बार तो सीधी पड़ेंगी, अधिकतम दो बार और कम से कम एक बार। एक वर्ष में मतलब 365 दिन में एक बार लंबवत या अधिकतम दो बार लंबवत पड़ सकती हैं। उसके बाद जो तीन राज्य बच रहे हैं, इन तीन राज्यों में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां, तो एक राजधानी यहाँ पे आएगी, यह कौन सा होगा? जयपुर। यहाँ पे एक राजधानी आएगी और एक राजधानी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये राजधानियां हमारी हो जा रही हैं जो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की। जरा हम देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के नाम। कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित राज्य की यदि हम बात करते हैं तो ये राज्य कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले राज्य की हम बात करेंगे तो वह कौन सा होगा? गुजरात होगा। कौन सा राज्य होगा? गुजरात होगा। दूसरे की यदि बात करेंगे तो यह कौन सा होगा? राजस्थान होगा। राजस्थान होगा। तीसरे की यदि हम बात करेंगे तो तीसरा कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। चौथे की यदि हम बात करेंगे तो चौथा कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा। उसके बाद यदि बात करते हैं तो पांचवें नंबर पे कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ के तुरंत बाद कौन सा आएगा? झारखंड आएगा। झारखंड के तुरंत बाद यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल के तुरंत बाद यदि हम बात करते हैं तो सातवें नंबर पे कौन सा आएगा? त्रिपुरा आएगा आपका। कौन सा? त्रिपुरा आएगा। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं आठवें नंबर पे, तो आठवें नंबर पे कौन सा आ जाएगा? मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, ये आठ राज्य हैं और इन आठ राज्यों की हम बात करते हैं तो ये आठों राज्य हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। लेकिन इन कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो राजधानियों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो कहाँ पे है? भोपाल में। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो नया रायपुर या इसी को हम क्या कहते हैं? अटल नगर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद झारखंड की बात करते हैं तो यह कहाँ पे हो जाएगा? रांची पे।
रांची जो है बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पे भैया, कोलकाता है, कोलकाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा की, राजधानी कहाँ पे है, त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक है, अगरतला। और उसके बाद मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है, आइजोल। ठीक है, अब इन राजधानियों के नामों को हम इसमें देख लेते हैं। अपनी इस रेखा में यदि इन राज्यों की राजधानियों को देखें तो सबसे पहले यह राजधानी कौन सी है, जयपुर है, इसके बाद इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सी है, गांधी नगर है। इसके बाद इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा भोपाल, हो जाएगा। यदि इसकी हम बात करते हैं तो यह क्या है, नया रायपुर या अटल नगर है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सी है, रांची है, और यह कौन सी है, कोलकाता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यह त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे है, अगरतला, और इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा है, आइजोल, आठ राज्यों की राजधानियों की हम बात कर रहे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे निकट राजधानी कौन सी है, सर्वाधिक निकट राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो रांची लिखेंगे सर्वाधिक निकट है। यह कहाँ पे है, सर्वाधिक निकट है। और सबसे दूर की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जाएगा, यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे सूर्य की किरणें साल में कम से कम एक बार सीधी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए जो यह कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के नीचे जो भी स्थान होगा या जो भी शहर होगा, इस शहर पे सूर्य की किरणें साल में कम से कम एक बार सीधी पड़ेंगी। लेकिन यदि कर्क रेखा से उत्तर हम चल रहे हैं, जैसे तीन राज्यों की राजधानियां मैं लिखा हूँ, जयपुर, अगरतला और आइजोल, इन तीनों राजधानियों पे सूर्य की किरणें 365 दिन में कभी भी सीधी नहीं पड़ेंगी। कारण क्या है कि सूर्य 21 जून को यहीं पे अधिकतम चमकता है, इसके बाद पुनः दक्षिणायन होने लगता है, इसके उत्तर में नहीं जाता है। अर्थात कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो भी शहर या स्थान होगा वहाँ पर सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ सकती हैं। सीधी कब पड़ेंगी, सीधी कहाँ पर पड़ेंगी, जो कर्क रेखा के नीचे स्थित होगा, इसके अलावा और कोई नहीं। दोस्तों एक चीज़ और भी है, इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट को हम नोट के रूप में हाँ लिख लेंगे। यहाँ पे नोट के रूप में हम लिखते हैं, और यह क्या होगा, नोट के रूप में जो हम लिख रहे हैं यह बहुत जरूरी है। लिखेंगे कर्क रेखा को माही नदी, ठीक है, माही नदी दो बार काटती है, ठीक है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी। अच्छा एक चीज़ और भी है, माही नदी जो हमारी है वह कहाँ पे अपना संगम बनाती है, तो वह खम्भात की खाड़ी में अपना संगम बनाती है। कहाँ उसका उद्गम हुआ है, मध्य प्रदेश में उद्गम हुआ है। यहाँ से निकल करके ऐसे प्रवाहित होकर के और आकर के इस खम्भात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, माही नदी, और माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने का काम करती है। अच्छा दोस्तों और भी हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, इस माही नदी के अलावा भी और कुछ नदियाँ हैं जो कर्क रेखा को छोड़ करके बल्कि विषुवत रेखा और मकर रेखा को भी दो बार काटने का काम करती है। तो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तथा मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का क्या नाम है, लिम्पोपो नदी को विश्व की घड़ियाल नदी के नाम से जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, भारत की घड़ियाल नदी के नाम से किसे जानते हैं, तो जो चंबल नदी है, चंबल अपने बीहड़ के लिए, अपने उत्खात के लिए, ठीक है, उत्खात भूमि के लिए, अपने अवनलिका अपरदन के लिए, ठीक है, जानी जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी भी भारत की घड़ियाल नदी है, और विश्व की घड़ियाल नदी कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपो। किसको दो बार काटती है, मकर रेखा को। कांगो किसको दो बार काटती है, विषुवत रेखा को। माही किसको दो बार काटती है, आपके कर्क रेखा को दो बार काटने का काम
करती है। सबसे कर्क रेखा के निकट राजधानी या कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी होगी? कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची, और कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी होगी? गांधीनगर होगी। मतलब कहने का यह भी है कि जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं तो उनमें से 8 राज्यों की राजधानियां कहां पे हैं? कर्क रेखा के दक्षिण में। 3 राज्यों की राजधानियां कहां पे है? कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, यह तो यहां तक हुआ कर्क रेखा से संबंधित। अच्छा, एक चीज और भी देख लेंगे, कर्क रेखा के ऊपर के भाग को शीतोष्णकटिबंध के नाम से, इसको शीतोष्णकटिबंध और इसको उष्णकटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब यहीं से हम थोड़ा आगे जब चलेंगे, तो आगे जब चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे यह है कि ऐसी कौन सी रेखा है, ठीक है, ऐसी कौन सी रेखा है जो कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटने का काम करती है, या तो यह भी कह सकते हैं कि भारत का कौन सी रेखा है जो भारत की मानक समय रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो उस रेखा का दोस्तों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको भी रेड पेन से बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे यह चली हुई है, ठीक है, रेखा गुजर रही है। इस रेखा की यदि हम बात करें तो यह रेखा यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे ऐसे हाँ यहाँ इस हिस्से में आ जाती है। ठीक है, जब इस हिस्से में यह रेखा आ जाती है तो इसको देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जा रही है। अर्थात इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा के यदि नाम की हम बात करते हैं तो इस रेखा को नाम दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको नाम क्या दिया गया है? 82.5 डिग्री, 82 से ही 1/2 क्या दिया गया है? ईस्ट। ठीक है, इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से, देशांतर के नाम से जानते हैं, देशांतर कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा काम क्या है? यह भारत का मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है। अगली इसकी विशेषता क्या है? यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे 5 घंटा 30 मिनट आगे। और एक चीज़ और है, भारत के पांच राज्यों से गुजरती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, जरा इन 5 राज्यों के हम नाम लिख लेते हैं। तो पहले राज्य की यदि हम बात करेंगे तो पहला राज्य हमारा मिल जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरे राज्य की बात करेंगे तो दूसरा राज्य कौन सा जगह? मध्य प्रदेश। तीसरे की बात करते हैं तो कौन सा जगह? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चौथे की यदि हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा होगा। और अंतिम कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर के हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरने का काम करती है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे, यह भी बताना जरूरी है कि यह इलाहाबाद के निकट या प्रयाग राज के निकट नैनी नामक स्थान से क्या की गई है? खींची गई। ठीक है, यह प्रयागराज के निकट, चूंकि पहले नाम क्या था? इलाहाबाद, अब क्या हो गया? प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से इस रेखा को खींचने का काम किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे यह भी ध्यान देंगे, यह दोनों रेखाएं, चलिए मैं यहाँ पे नोट में लिख दूंगा, यहाँ पे नोट में 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट यह होगा कि कर्क रेखा तथा 82 से 1/2 ईस्ट एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती। और अगली विशेषता इसकी हो जाएगी कि 82 से 1/2 ईस्ट जो है, 82 से 1/2 ईस्ट मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है मध्य प्रदेश के
के रीवा शहर से, रीवा शहर से गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि मध्य प्रदेश का रीवा शहर जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों इसके तथ्य तो हमने लिख दिए, लेकिन इसके बारे में समझना जरूरी है। चूंकि जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, 29 डिग्री समथिंग मिनट है। ठीक है, लेकिन जब सूर्योदय होते हैं, चूँकि जो भी पृथ्वी हमारी है वह पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने का काम करती है। घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पे ही चक्कर लगाना। तो यह पश्चिम से पूरब घूमती है, जो भाग पूर्व इधर है, जैसे मान लेते हैं यह हिस्सा सूर्य का है और यह हमारी हिस्सा पृथ्वी का है, तो हमारी पृथ्वी ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे, और जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है उस सम्मुख वाले भाग पर सूर्योदय तथा जो सम्मुख नहीं होता है उस पर अंधकार होता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो यदि हमारी पृथ्वी भी ऐसे घूमती है तो सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पे होगा और सबसे लास्ट में सूर्योदय यहाँ पे होगा, लेकिन सूर्यास्त भी यहाँ पे पहले होगा और सूर्यास्त यहाँ पे लास्ट में होगा। ठीक है, और जो ग्रीनविच की, अच्छा तो इसलिए भारत के मध्य से यह रेखा जो खींची गई है उसी को हम भारत का मानक समय रेखा बना दिए हैं। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा बना दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है, यह भारत का क्या है, मानक समय रेखा है, और कौन सा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कह रहे हैं ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे क्यों है, तो हम ग्रीनविच से पूरब में और पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए हमारे वहाँ भी सूर्योदय कब होगा, पहले ही होगा। अच्छा, एक यहाँ न्यूमेरिकल के तौर पे हम यदि चर्चा करते हैं, न्यूमेरिकल के तौर पे यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है। जैसे मान लेते हैं एक देशांतर, देशांतर से दूसरे देशांतर पर, देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पहुँचने के लिए, सूर्य का प्रकाश पहुँचने के लिए कितने मिनट का, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। जरा आप एक चीज़ ध्यान देखो, ग्रीनविच का मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और हम कितने पे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, चाहें तो 82 से ही 1/2 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो 82 × 4 करेंगे तो 116 होगा, और आधे का भी तो 2 मिनट होगा, तो लगभग कितना हो रहा है, 118 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, 118 मिनट में 60 से भाग देंगे तो लगभग यह एक घंटा 57 या 58 मिनट के आसपास मिलेगा, 1 घंटा 57 या 58 मिनट के आसपास का समय मिलेगा। मतलब यह, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि हम 82.5 में 4 का गुणा करेंगे, चाहे 82 में हम 4 का गुणा कर ले रहे हैं, जैसे यह 82 है, 2×4 करेंगे तो 4×8 और 8×4=32, 328, और आधा है इसका भी तो प्लस 2 होगा तो 330 मिनट मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 330 मिनट हो जाएगा, और जब 330 मिनट हो गया तो इसको घंटा में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, तो भागे 60 करेंगे तो यह कटेगा तो कितना होगा, 5 घंटा 30 मिनट होगा, 5 घंटा 30 मिनट होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब भारत में सूर्योदय होगा तो उसके 5 घंटा 30 मिनट बाद, अर्थात जब भारत में सूर्योदय हो रहा है उससे 5 घंटा 30 मिनट बाद सूर्योदय कहाँ पे होगा, ग्रीनविच पे होगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं, जिसका कारण क्या है कि हम पूर्व में हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा को गति करती है, इसलिए हम सूर्य के सम्मुख सबसे पहले पहुँचते हैं, इसलिए सूर्योदय भी हमारे वहाँ पहले होता है और हमसे 5 घंटा 30 मिनट बाद वहाँ पर सूर्योदय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमारे वहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच का समय क्या होगा, तो ग्रीनविच का समय की यदि हम बात करते हैं तो वह हमसे 5 घंटा 30 मिनट पीछे होंगे, तो 5 घंटा 30, दोपहर में से 12 बजे में से 5 घंटा 30 मिनट पीछे कर लो तो कितना होगा, लगभग 6:30 बजे के आसपास का समय होगा। ठीक है, तो ऐसे यह जो है हमारा देशांतर रेखा है। तो एक बार देख लेते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कहते हैं, यह भारत की मानक समय रेखा है, यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है।
भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसको बताया गया है कि प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से क्या निकलती है, प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से यह खींची गई। अच्छा, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो वह ट्रिक क्या हो सकता है? ऊ मा छतरी लेके, ठीक है, छतरी ओढ़ के आजा, ठीक है। इसको देखते हैं, हम एक ट्रिक के द्वारा समझा रहे हैं आपको। जैसे यह इसको यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं। और ट्रिक क्या हो सकता है यहाँ पे? ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो ट्रिक हमारा हो सकता है, देखिए उ लिखते हैं, उमा, ठीक है, चाहे उमा लिखे चाहे एक ही में लिख दीजिए उमा, लेकिन अलग अलग लिखते हैं उमा। उसके बाद क्या हो जाएगा? छतरी, छतरी। उसके बाद क्या हो जाएगा? ओढ़ के, ओढ़ के आ, ठीक है, उमा, उमा छतरी ओढ़ के। तो देखो उमा छतरी ओढ़ के आने से क्या होगा? ऊ से हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश। छतरी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ओ से हो जाएगा ओडिशा। और आ से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे या भारत मानक समय रेखा पर जो भारत के 5 राज्य स्थित हैं उनके लिए ट्रिक क्या होगा? उमा छतरी ओढ़ के आजा, उमा छतरी ओढ़ के आजा। तो उमा किसी का नाम भी हो सकता है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि माँ बारिश हो रही है, माँ भीग रही है, तो हम घर के अंदर हैं तो बोल सकते हैं उमा, माँ क्या करो छतरी ओढ़ करके आ जाओ। और जब छतरी ओढ़ करके माँ आ जाएंगी तो वे क्या हो जाएंगी? भीगेंगी नहीं। तो हम कह सकते हैं ऊ से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। माँ से मध्य प्रदेश। छतरी से छत्तीसगढ़। और ओढ़ से उड़ीसा। और आ से आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्यों से क्या होती है? हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरने का काम करती है। दोस्तों एक बार रिवीजन के तौर पे इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो रिवीजन के तौर पे जब हम चर्चा करेंगे तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। जिन 8 राज्यों से गुजरती है तो उसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इनकी राजधानियां भी देखिए क्रम से लिखे गए हैं, गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, उसके बाद क्या है नया रायपुर या अटल नगर, उसके बाद रांची, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद अगरतला, उसके बाद आइजोल। रांची की बात करते हैं तो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी की बात करेंगे तो गांधीनगर होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 5 राज्यों की राजधानियां कहाँ पे है? दक्षिण में, जिसमें गुजरात की राजधानी दक्षिण में है, मध्य प्रदेश की राजधानी दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी दक्षिण में है, झारखंड की राजधानी तो मान लेते हैं कि कर्क रेखा पर ही है, और पश्चिम बंगाल की भी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण है। उसके बाद 3 राज्यों की राजधानियां, जिसमें राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में, ठीक है। उसके बाद 82.5 डिग्री की हम बात किए हैं तो 82.5 डिग्री के बारे में अभी अब जस्ट चर्चा की है, ठीक है। ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे ट्रिक इसके लिए बताया गया, उमा छतरी ओढ़ के आजा। तो ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छतरी से छत्तीसगढ़, ओढ़ से ओडिशा और आके आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रेखाएं 82.5 डिग्री तथा 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी तथा 82.5 डिग्री पूर्वी, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? छत्तीसगढ़ में काटने का काम करती हैं। और एक नोट में है, कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटने का कार्य करती हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।